क्यों गोविंद, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? इतना बड़ा अपमान, क्या पाप किया था मैंने गोविंद? किन कर्मों का फल भोग रही हूं? जो भी हुआ सके वो ना तुम्हारा कर्म था और ना ही किसी कर्म का फल, वो तो केवल तुम्हारे साथ हुआ एक अकस्मात था, कौरवों के पुराने कर्मों का फल था जो उनके हाथों इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ। कर्म के सिद्धांत का यही तात्पर्य है सखी, अच्छा कार्य अधिक अच्छा कार्य करवाता है, बुरा कार्य अधिक से अधिक बुरा कार्य करवाता है। और बुराई में ग्रसित मनुष्य के लिए तो जीवन ही नरक बन जाता है सखी। किंतु पीड़ा तो मैं भोग रही हूं गोविंद। तो उस पीड़ा का त्याग करो सखी। हस्तिनापुर में जो तुम्हारे साथ हुआ था वो तुम्हारा कर्म नहीं था, किंतु उस घटना को तुम जो प्रतिभाव दोगी वो तुम्हारा कर्म अवश्य बनेगा। तुम यदि अपने मन को दुख और बैर से भर लोगी तो तुम्हें भी नरक का अनुभव होगा और उनके किए दुष्कार्यों के लिए तुम क्यों नरक भोगना चाहती? बैर का त्याग कर दो सखी, मन को निर्मल कर लो। नदी में जो मैल जाता है नदी उसे समुद्र में उड़ेल देती है, स्वयं स्वच्छ हो जाती। तुम भी अपनी पीड़ाओं को परमात्मा में उड़ेल दो। परमात्मा तो सारे संसार की पीड़ाओं को अपने भीतर समा लेने के लिए सदा ही सज। अर्थात गुरु सभा को क्षमा कर दूं? हाँ सखी, क्षमा कर दो, अन्यथा प्रतिशोध में फंसी रहोगी, न्याय नहीं कर पाओगी। प्रतिशोध दुष्कर्म, न्याय सत्कर्म। भेद क्या हुआ गोविंद? आर्यवर्त की चक्रवर्तिन साम्राज्ञी के साथ जिन्होंने इतना बुरा बर्ताव किया, जगत की सामान्य स्त्रियों की क्या स्थिति करेंगे? विचार करो सखी। अपनी पीड़ा में संसार की पीड़ा को देखो, अपने दुखों को संघर्ष बना लो। एक बात समझ लो सखी, जो केवल अपनी पीड़ाओं को गले से लगाकर जीता है वो निर्बल बन जाता है, किंतु जो व्यक्ति सारे समाज की पीड़ाओं को अपने हृदय से लगाकर जीता है
वो पहलवान बन जाता है। केवल अपनी पीड़ा का विचार करना दुष्कर्म, किंतु सारे संसार की पीड़ाओं का उपाय ढूंढना सत्कर्म। हाँ सखी, मैं तुमसे कहता, सबसे पहले दुर्योधन को क्षमा कर दो, वही उसके विनाश की ओर प्रथम चरण होगा। और फिर दुर्योधन जैसे अन्य दुष्टों का विनाश करके संसार को स्वच्छ करने का उपाय ढूंढो। केवल अपने लिए नहीं, संसार के, समाज के निर्बल स्त्री पुरुषों के उद्धार के लिए युद्ध करो। परमार्थ के लिए किए गए युद्ध में चाहे कितनी भी हिंसा क्यों ना, फिर भी वो धर्म युद्ध है। कर पाओगी ये कार? हाँ गोविंद, मेरे हृदय में अंधकार था, किंतु आपने वहां ज्ञान का दीपक जलाया।